नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जूनागढ़ फोर्ट राजस्थान जो बीकानेर में मौजूद है, टूरिस्टों के बीच में बड़ा ही पॉपुलर किला है। यह किला बेहद ही खास और इसे घूमने के लिए देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट हर साल आते हैं। इस किले की सुंदरता और टूरिस्टों को अपनी तरफ खींचती है। इस किले का निर्माण 1478 में महाराजा राव बिकर ने करवाया था। उन्हीं के नाम पर शहर का नाम बीकानेर पड़ा था। यह किला मुगल, गुजराती और राजपूत कलाओं का एक अद्भुत मिश्रण है। किले में शीशे और लाख का काम बड़ी सुंदरता से किया गया है। टूरिस्ट बीकानेर में जूनागढ़ फोर्ट के अलावा यहाँ पर अनूप महल, हवा महल, डूंगर महल, दीवाने खास और गंगा महल की सैर करने के लिए भी जाते हैं। इस किले के एक बड़े हिस्से को अब सरकार ने म्यूजियम बना दिया है। देश के साथ साथ विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पर इनको देखने के लिए आते हैं। इस किले में घूमने के लिए टूरिस्टों को टिकट लेना पड़ता है। अगर आप भारतीय हैं तो सिर्फ 50 रुपए की एंट्री फीस में आप जूनागढ़ फोर्ट की सैर कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो ये किराया आपके लिए कम होगा। 30 रुपए का टिकट लगेगा जिसे छात्र आराम से देख सकते हैं। विदेशी स्टूडेंट को भी 150 रुपए का टिकट लेना पड़ता है और विदेशी टूरिस्ट को 300 रुपए इसके लिए देना पड़ता है। यह किला सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक खुला रहता है। जूनागढ़ फोर्ट की सैर के लिए आपको टूर पैकेज वगैरह राजस्थान के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए हर तरह से आप बाय फ्लाइट, कार, ट्रेन से अपने आप भी जा सकते हैं। टूरिस्ट वैसे तो इस किले को कभी भी घूम सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे टाइम की बात करें तो नवंबर से लेकर फरवरी के बीच जूनागढ़ फोर्ट की सैर करना सबसे अच्छा है। टूरिस्ट इस किले की सैर के लिए सड़क रोड से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग के जरिए आराम से आ सकते हैं। जयपुर, जोधपुर, दिल्ली और भारत के सभी बड़े शहरों से बाय रोड का अच्छा रास्ता बना हुआ है और यहाँ प्राइवेट व सरकारी बसें भी आती हैं। शहर में आपको बीकानेर के लिए तकरीबन हर जगह से ट्रेन मिल सकती है। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन बीकानेर जंक्शन है, जो जूनागढ़ फोर्ट से नजदीक ही है। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट जोधपुर है और यहाँ से बीकानेर की दूरी करीब 235 किलोमीटर है। दोस्तों, बीकानेर उत्तर भारतीय राज्य राजस्थान का एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है। ये थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है। शहर 16वीं शताब्दी के जूनागढ़ किले के लिए बड़ा ही फेमस है, जो अलकर्त इमारतों और एक विशाल परिसर के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का हर शहर इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। बीकानेर में आपको बड़ी हवेलियां, महल और किले के अंदर मंदिर वगैरह देखने को काफी मिलेंगे। बीकानेर में जूनागढ़ फोर्ट बड़ा ही फेमस है। यह किला 1588 में बनाया गया था। इसे मुगल सम्राट अकबर के सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले राजा राय सिंह ने बनवाया था। लाल पत्थर और मार्बल से बना यह किला टूरिस्टों के लिए काफी पसंदीदा है। इस किले में मुगल, गुजराती और राजपूतों की स्टाइल का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। यहां पर लालगढ़ पैलेस 20वीं शताब्दी में अपने पिता
महाराजा लाल सिंह की याद में महाराजा गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस को बनवाया था। इस पैलेस को अब लग्जरी होटल बना दिया गया है। इस पैलेस में दो म्यूजियम है जहां आपको पुराने इतिहास की काफी चीजें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, यहां पर एक बड़ा ही सुंदर और मशहूर मंदिर है जिसे करणी माता मंदिर कहते हैं। बीकानेर की इस जगह जो दुनिया भर में मशहूर है वह है करणी माता का मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर बीकानेर के देशनोक इलाके में है। करणी माता, जिन्हें मां दुर्गा का अवतार माना जाता है, उनका यह मंदिर 15वीं शताब्दी में बना था और आज बीकानेर जाने वाले हर टूरिस्ट माता करणी के यहां पर जरूर जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। आगे भी आप लोगों को ऐसी जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।